देखिए ये सारे छोटे छोटे बाल हैं ये आए हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये बहुत चौड़ा हो गया था, तो ये बहुत चौड़ा अभी नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि ये आपके ओरिजिनल बाल नहीं है, ये मेरे ओरिजिनल बाल ही है। हे गाइज वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स, मेरा नाम है रूपा। और गाइज आज का जो वीडियो है ये एकदम प्लान वीडियो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे लोगों की क्वेरीज बढ़ रहे हैं, मुझे लगा आज का वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैस्टर ऑयल को आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए हेयर रीग्रो करने के लिए। सडनली अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो काम नहीं आ रहा है, तो कैस्टर ऑयल इन केस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाया था। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया वीडियो में, बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया, थैंक यू सो मच। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ कुछ लोगों के पास थोड़ा सा सवाल भी है, बहुत सारे, थोड़े से नहीं बहुत सारे सवाल है। तो आज मैं कोशिश करूँगी सारे सवालों का जवाब आप लोगों को दूँ, और उसके साथ साथ मैं लाइव दिखाऊँगी कि कितने हेयर रीग्रो मेरे हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पिछला जो वीडियो मैंने डाला था कैस्टर ऑयल का, कि कैसे बालों को रीग्रो करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए, वो वीडियो आप देख लीजिए। वहाँ पे मेरे बालों का टेक्सचर देखने के बाद आप इस वीडियो में मेरे बालों का अभी का जो टेक्सचर है इसको देखिए, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि कितना इफेक्ट हुआ है। और ये आप खुद नोटिस कर सकते हो, मुझे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव दिखाने आई हूँ, जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं उनको लाइव दिखाने आई हूँ कि अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितना इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जब 2 महीने पहले मैंने वीडियो को डाला था, उसके 1.5 महीने पहले से मैं कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कर रही थी, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो लगभग 4 महीना हो गया है मुझे कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करते हुए। और 4 महीने में मैंने एक बॉटल कंप्लीट कर दिया है लगाना, अभी दूसरा बॉटल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस सबसे पहला जो सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए मेरे ऊपर तो इफेक्ट पड़ा है, अभी मैं उसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोगों को इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीना लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम श्योर अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी कोई बीमारी नहीं है सिवियर टाइप का, तो आपके ऊपर ये इफेक्ट काम करेगा। और इसके साथ जिन लोगों का ये कहना है कि कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करने से कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को अपने खाने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कभी कभार शरीर में प्रोटीन और बायोटीन कम रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, तो उसका भी ध्यान रखिए और उसके साथ कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करिए। ओके, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कैस्टर ऑयल हमें कहाँ पर मिलेगा? ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगा, ऑफलाइन आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। अब मेडिसिन शॉप में आपको कोई भी लोकल ब्रांड का मिल सकता है। मैं किस ब्रांड किस कुछ कुछ लोगों ने ये पूछा है कि आप किस ब्रांड का इस्तेमाल करती हो, मैं डाबर का इस्तेमाल करती हूँ और मैंने फ़िलहाल और एक बॉटल ख़रीदा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाबर का करती हूँ तो आपको भी करना चाहिए, आपको जो ब्रांड ठीक लगे उसका कीजिए, मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगी। और डाबर ब्रांड का भी कैस्टर ऑयल अच्छा है। तीसरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम कैस्टर ऑयल को बादाम तेल के बदले सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर और भी जितने तरीके का तेल जो 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 इस्तेमाल करते हैं उसके साथ मिला के लगाएं। भाई किसी भी तेल के साथ मिला के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सरसों के तेल के साथ मिला के लगा सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं। आप सरसों के तेल के साथ कैस्टर ऑयल को ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और उसको लगाइए, से भी काम होगा। कुछ कुछ लोगों का ये पूछना था कि कैस्टर ऑयल लगाने के बाद अगर हम स्टीम ना ले तो, देखिए अगर आप स्टीम नहीं ले पा रहे हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप कैस्टर ऑयल को जब भी लगाएं गर्म करके लगाइए, तो ये ब्लड सर्कुलेशन और आपके स्काल्प को पेनिट्रेट करेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। और उसके बाद आप अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो स्टीम मत लीजिए, लेकिन तेल को गर्म करके लगाइए, क्योंकि तेल जो है वो काफ़ी गाढ़ा है, उसको गर्म करेंगे तो पतला हो जाएगा और उसके बाद आप मसाज करेंगे तो स्काल्प में जाएगा। अच्छा, और एक सवाल आ रहा है कि इसको लगाने के बाद शैम्पू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
मैं पहले हर दिन लगा के शैम्पू कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने अभी क्या किया है कि मैं 2 दिन लगा रही हूँ, 3 दिन लगा रही हूँ, उसके बाद मैं स्टीम लेके शैम्पू कर रही हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है हर दिन शैम्पू करना, तो इसको 2 दिन या फिर 3 दिन लगा के रखिए, उसके बाद शैम्पू कीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो गाइज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे सर पे कहाँ कहाँ पे एक्चुअली कैस्टर ऑयल लगाने के बाद हेयर ग्रो हुआ है। तो उसके पहले मैं फिर से वही कहूँगी कि जो पुराना वीडियो मैंने डाला था उसको आप जाके एक बार ही चेक कर लीजिए, डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। इवन बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस भी किया है, सम पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोगों ने कहा है कि आपका जो हेयर का टेक्सचर है सच में पहले से बहुत इंप्रूव हो गया है, क्योंकि रिसेंट वीडियोज़ में आपके बालों का टेक्स्चर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी थिक लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइज़। तो अभी लेंथ मैं दिखाती हूँ, उस टाइम पर मेरे बालों का लेंथ था कुछ यहाँ तक, अभी ये बढ़ गए हैं। ओके, और इसके साथ जो हेयर ग्रो हुआ है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये बहुत चौड़ा हो गया था, तो ये बहुत चौड़ा अभी नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि ये आपके ओरिजिनल बाल नहीं है, ये मेरे ओरिजिनल बाल ही है। ओके, देखिए ये सारे छोटे छोटे बाल हैं, ये आए हैं, तो ये सारे ग्रो हुए हैं। ओके, ये साइड और ये साइड तो पूरा खाली हो गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बाल बचे ही नहीं है। सी ये देखो नए बाल, ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये आए हैं नए बाल थैंक्स टू कैस्टर ऑयल। सो गाइज अभी इस साइड पे मैं दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैसिव हेयर फॉल हुआ था और यहाँ तक खाली हो गया था। तो सब अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं प्लीज़ पहले यही कहूँगी कि पुराना जो वीडियो है इसका पार्ट वन उसको आप जाके देखिए, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ द हेयर नाउ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पहले ऐसा करके हेयर बालों को नहीं बांध पा रही थी लाइक दिस, लेकिन अभी मैं बांध पा रही हूँ। ये यहाँ पर देखो आप, ये मेरे बाल आ गए हैं, और ये यहाँ पर छोटे छोटे बाल हैं जो मेरे हाथ पर नहीं आ रहे। ये वाला जगह आप देख सकते हो, ये तो पूरा ही खाली था, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ये छोटे, ये देखो ये छोटे छोटे बाल आए हैं, ये छोटू छोटू से, ठीक है ना। तो ये सारे रिग्रो हुए हैं, और ये है रिज़ल्ट लगभग 4 महीने कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद। मेरे बाल लंबे भी हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांग भी हुए हैं, एंड हेयर फॉल जो है, पहले ऐसा ऐसा करके हेयर फॉलिंग हो रहे थे, लेकिन अभी कम है बहुत। और टेक्स्चर ये आप देख सकते हो, ये है, आई हैव स्टार्टेड लविंग माई हेयर नाउ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे ये हेयर यू नो हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है ये कम होगा, क्योंकि यू नो जब बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको मैसिव हेयर फॉल होता है, और मैं फील कर सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है। सो यू कैन ट्राई दिस ऑयल। तो बस यही था आज का वीडियो, बक बक करके ही मैंने सब कुछ बोल दिया, लेकिन ये रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में हवा में बात नहीं कर सकती अगर वो चीज़ मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा पॉजिटिवली। तो और जब लोग इतना सारा सवाल कर रहे हैं, दे आर क्यूरियस टू नो, उनको जानना है कि आखिर क्या रिज़ल्ट है। तो 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद ये मेरा जो हेयर है लंबा भी हुआ है और रीग्रो भी हुए हैं बाल। सो दिस इज़ इट, ये है रिज़ल्ट। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग एक बार इस्तेमाल करके देखो, आई होप आप लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो गाइज, और उस वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।